हेलो एवरीवन, और आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज का जो वीडियो है, मैं उसमें पार्टी में जा रही थी तो मैंने इसलिए सोचा कि गेट रेडी विद मी रिकॉर्ड कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कलर बार का प्राइमर लगा लिया है अपने फेस पे, और अब मैं मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन जो है लगा रही हूँ। ये फाउंडेशन बहुत अच्छा फाउंडेशन है और बहुत ही अच्छी फिनिश देता है। तो मैं इसे एक मेकअप स्पंज से लगा रही हूँ, आप चाहे तो अपनी उंगलियों का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं मेबलिन का फिट मी कंसीलर ले रही हूँ और इसे अपने आँखों के नीचे, नोज़ पे, थोड़ा सा फॉरहेड पे, लिप्स के पास, और इससे अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ। हाईलाइटिंग से क्या होता है कि मैं जहाँ जहाँ अपने फेस पे चाहती हूँ कि लाइट हिट करे, वो जो फीचर्स है और अच्छे से उभर के आते हैं, तो इसलिए मैं अपने फेस को हाईलाइट एंड कॉन्टोर करने वाली हूँ। तो अभी मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ अपने फेस को। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लेके अपने फेस को अच्छे से सेट कर रही हूँ ताकि जो मेरा मेकअप है वो ज़्यादा देर तक टिका रहे और क्रीज ना करे। फिर मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट ले रही हूँ। इसके अंदर से जो डार्क शेड है उससे मैं अपना जो फेस है उसे कॉन्टोर करूँगी। कॉन्टोर से क्या होता है कि मुझे अपने फेस का जो जो एरिया जो है स्लिम करना है या फिर हाइट करना है, उससे आपके फीचर्स जो है और अच्छे से निकल के आ जाते हैं। तो मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ इन एरियाज़ पे। तो अभी मैं सिर्फ ये जो कॉन्टोर क्रीम है ये सिर्फ लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं एक ब्रश यूज़ करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और उसके बाद मैं एक लाइट ब्राउन कलर का आई शेडो ले रही हूँ और अपने क्रीम कॉन्टोर के ऊपर लगा रही हूँ ताकि वो हिले ना। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से लेके अपना जो कॉन्टोर मैंने किया है उसे क्लीन कर रही हूँ, और फिर मैं एक बड़ा सा जो पाउडर ब्रश है उससे सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ, ये मुझे नाम याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स डाल दूँगी तो आप चेक कर लेना। तो मैं अपनी आईब्रोज़ को फिलअप कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने आँखों के ऊपर एक आई प्राइमर लगा रही हूँ। ये एसेंस का है और बहुत ही अफोर्डेबल है, 300 रुपये का मैंने लिया था ये अमेज़ॉन से। इससे मेरा जो आई मेकअप है बिल्कुल भी क्रीज नहीं होगा, ज़्यादा देर तक टिका रहेगा। फिर मैं मेबलिन की न्यूड पैलेट में से ये लाइट ब्राउन जो कलर है इसे एक ब्लेंडिंग ब्रश पे ले रही हूँ और अपने आईज़ क्रीज एरिया पे लगा रही हूँ। उसके बाद जो ये वाला जो शेड है ये थोड़ा सा ग्रेइश ब्राउन कलर है, तो इसे मैं लेके वापस से अपने क्रीज एरिया पे लगा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके स्मोकी इफेक्ट देने की कोशिश कर रही हूँ आँखों पर। फिर मैं क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये शेड ले रही हूँ, ये एक हाइलाइटर शेड है, आप चाहे तो कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो। मैं इसे अपने पूरे इनर आई एरिया पे ऐसे लगा रही हूँ और आँखों के पास भी इनर आई एरिया पे लगा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं एक आईलाइनर लेके विंग्ड आईलाइनर बना रही हूँ। ये जो है लॉरियल का नया वाला मैट मजिक आईलाइनर है, मैंने अभी इस पर रिव्यू करा है तो आप चाहे तो रिव्यू चेक कर सकते हो। मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या यहाँ पे जो आई आइकन है उस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो मैं एक विंग्ड आईलाइनर लगा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मेबलिन का क्लॉसल काजल ले रही हूँ, सुपर ब्लैक वाला, और अपनी आँखों पे अच्छे से डार्क करके काजल लगा रही हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा बोल्ड लगाऊंगी काजल को। और उसके बाद मैं एक ब्राउन कलर जो है आई शेडो का उससे लेके स्मच कर रही हूँ। फिर मैं अपनी आईलैशेस को कर्ल्स कर रही हूँ और फिर बहुत सारा मस्कारा लगाऊंगी। आप चाहे तो फॉल्स आईलैशेस भी लगा सकते हो, बट मुझे वो लगाना अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं उसे छोड़ रही हूँ। के बाद मैं अपना मिस रोज़ वाली पैलेट में से एक पिंक कलर का ब्लश जो है वो लेके लगा रही हूँ और एक गोल्डन कलर का हाईलाइटर लगा रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे मिस क्लेयर का जो सॉफ्ट मैट क्रीमी लिपस्टिक जो भी है उसका नाम और शेड नंबर 47 यहाँ पे लगा रही हूँ अपनी लिप्स पे। आप चाहे तो कोई भी सा भी कलर लगा सकते हो।
उसके बाद मैंने अपने कपड़े बदल लिए हैं और अब मैं ये इयररिंग्स डाल रही हूँ अपने कानों में। और मैं अपने बालों को ऐसे ही रहने देने वाली हूँ और उसके बाद मैं ये वाली जो बैंगल्स है ये अपने हाथों में पहन लूँगी। और ये जो है मेरा पूरा मेकअप है। आई होप आपको ये मेरा मेकअप पसंद आया हो। और ये मेरे इयररिंग्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और ये मेरा आउटफिट है। मैंने एक प्लेन नेवी ब्लू कलर का और पिंक कलर का कुर्ता पहन रखा है और मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।